वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल्स पर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल करियर डिफेंस स्कूल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि डिफेंस से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं अब सैनिक स्कूल्स के बारे में। सैनिक स्कूल को बनाने की जो इंस्पिरेशन है वो RINC देहरादून, जिसने इंडिया को अभी तक कई सारे डिफेंस चीफ दिए हैं, से मिली है। सैनिक स्कूल्स को सैनिक स्कूल सोसाइटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा बनाया और मैनेज किया जाता है। हालांकि यूपी में मौजूद सैनिक स्कूल लखनऊ, जिसे 1960 में एस्टैब्लिश किया गया था, वो इंडिया का पहला सैनिक स्कूल था, पर यह स्कूल सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में नहीं आता, बल्कि इसे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी मैनेज करती है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ पूरे इंडिया में इकलौता ऐसा सैनिक स्कूल है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, मींस जिसे स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। इन स्कूल का ऑब्जेक्टिव है डिजर्विंग स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के साथ ही उन्हें प्रिपेयर करना फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक NDA एंड डेवलप ओवर ऑल पर्सनैलिटी सो दैट दे कैन लीड एज ऑफिसर्स इन द डिफेंस सर्विसेज ऑफ द कंट्री। सैनिक स्कूल में आउटडोर एक्टिविटीज के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और साथ ही यहाँ पर कई सारे क्लब्स भी हैं, जैसे कैनोइंग क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब्स, माउंटेनियरिंग क्लब्स, ट्रैकिंग एंड हाइकिंग क्लब्स, जो स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। सैनिक स्कूल में 6th और 9th क्लास में के लिए एडमिशन होते हैं, जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसकी फीस है ₹400 फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड ₹250 फॉर स्टूडेंट बिलोंग्स टू SC and ST कैटेगरी। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें, स्टूडेंट्स हु आर बिटवीन द एज ऑफ 10 टू 12 इयर्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन क्लास 6 एंड स्टूडेंट्स हु आर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 13 टू 15 इयर्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन क्लास 9। क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट का किसी रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ रहा होना जरूरी है, वहीं ऐसी कोई रिक्वायरमेंट 6 क्लास में एडमिशन लेने के लिए नहीं है। इस एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न 2018 में चेंज करके OMR बेस्ड कर दिया गया है। प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन का जो मीडियम है वो इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज होगा और ये पेपर टोटल 300 मार्क्स का होगा। वहीं क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसका मीडियम सिर्फ इंग्लिश होगा और स्टूडेंट को सभी आंसर्स इंग्लिश में ही देने होंगे और ये पेपर टोटल 400 मार्क्स का होगा। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एज वेल एज चिल्ड्रंस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल एंड एक सर्विसमैन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 25% इन ईच सब्जेक्ट एंड 40% विद एग्रीगेट। सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन द रिटन एग्जाम। बाय चांस अगर ओवरऑल मार्क्स 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट का सेम होता है तो जिस कैंडिडेट के मैथ्स में ज्यादा स्कोर होंगे उसे कंसिडर किया जाएगा। अगर यहां पर भी टाई होता है तो क्लास 9 स्टूडेंट के लिए इंग्लिश के मार्क्स को और क्लास 6 स्टूडेंट के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट के स्कोर को कंपेयर किया जाएगा। अगर अगेन टाई होने पर क्लास 9 के लिए जनरल साइंस एंड क्लास 6 के लिए लैंग्वेज के स्कोर को के बेसिस पर पोजीशन डिसाइड की जाएगी और बाय चांस अगेन स्कोर सेम होगा देन जो कैंडिडेट यंग होगा उसे सिलेक्ट किया जाएगा इन द मेरिट। अब बात करते हैं रिजर्वेशंस के बारे में। तो टोटल सीट की 15% सीट्स SC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं और 7.5% सीट्स ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। बची हुई सीट्स में से 67% सीट्स उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं जो उस सैनिक स्कूल में ही एडमिशन ले रहे हैं जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बची हुई 33% सीट्स उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं जो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते जहां पर वो सैनिक स्कूल मौजूद है। 25% सीट सर्विस पर्सनल इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए रिजर्व है। इस रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन दिए हुए टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना होगा। आज इंडिया में लगभग सभी स्टेट्स में एटलीस्ट एक सैनिक स्कूल मौजूद है और आगे आने वाले टाइम में और भी न्यू सैनिक स्कूल्स थ्रू आउट द इंडिया एस्टैब्लिश किए जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ सारी डिटेल्स आपको समझ आ गई होंगी और यदि आप इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपने बच्चे को स्कॉलरशिप के माध्यम से सैनिक स्कूल की तैयारी कराना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419992828 पर कॉल करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।